दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रैंकेनस्टीन। फ्रैंकेनस्टीन एक नोवेल है जिसको लिखा था मैरी शैले ने। मैरी शैले वाइफ थी पीबी शैले की। पीबी शैले का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीबी शैले ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर के एक फेमस लेट रोमांटिक पोएट थे। 1818 में इस नोवेल को पब्लिश करवाया था दोस्तों। ये मैरी शैले का सबसे सक्सेसफुल वर्क माना जाता है। पीबी शैले से मैरी शैले ने भाग करके शादी की थी, ये बात मैं आपको बता दूँ। और पीबी शैले की डेथ बहुत ही कम उम्र में हो गई थी जिसकी वजह से मैरी शैले को बहुत ज़्यादा गरीबियों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद इन्होंने राइटिंग का काम शुरू किया और फ्रैंकेनस्टीन का बहुत ही सक्सेसफुल वर्क रहा। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि ये गॉथिक नोवेल है। गॉथिक मतलब हॉरिबल टाइप की। और इसकी सेटिंग रखी गई है यूरोप के बहुत सारे देशों में, जैसे स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्थ पोल की तरफ। 18 सेंचुरी का टाइम था उस वक्त, इसकी सेटिंग रखी गई है। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है, मतलब कैरेक्टर्स के ही अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। फर्स्ट पर्सन नरेटिव है दोस्तों। इसके अलावा इसका सब टाइटल है द मॉडर्न प्रोमेथियस, ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दिखाया गया है। ये सब हो गए इसके की फैक्ट्स। अब हम लोग इसके प्लॉट पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है रॉबर्ट वाल्टन नाम के एक आदमी से, जो कि एक शिप का कैप्टन है, एक जहाज का कैप्टन है। ये जहाज नॉर्थ पोल की तरफ निकला है, उत्तर की तरफ निकला है। और इस रॉबर्ट वाल्टन की एक सिस्टर है, एक बहन है जिसका नाम है मार्गरेट। उसको रॉबर्ट यहाँ जहाज से लेटर लिखता है जिसमें ये अपनी बहन को बोलता है कि ये और इसके साथ में जितने भी लोग हैं इनको एक आदमी मिला है, एक आदमी को इन्होंने रेस्क्यू किया है बर्फ़ के अंदर से, समुद्र के पास से। और इस आदमी का नाम है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। इस विक्टर फ्रैंकेनस्टीन ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। ये रॉबर्ट अपनी बहन को बोल रहा है मार्गरेट को कि इस विक्टर फ्रैंकेनस्टीन ने ऑफर किया कि मैं इसकी कहानी सुनूं। तो विक्टर फ्रैंकेनस्टीन वाल्टन को अपनी स्टोरी सुनाता है कि ये कौन है और कहां से आया है। तो ये अपनी कहानी की शुरुआत करता है अपने बचपन से। विक्टर का बचपन बहुत ही अच्छा था। ये लोग जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में रहते थे। इस विक्टर की फैमिली बहुत ही अच्छी थी। इसकी फैमिली ने एक लड़की एलिजाबेथ को अडॉप्ट किया था और भी एक दो बच्चे अडॉप्ट किए थे इसकी फैमिली ने। ये एलिजाबेथ एक अनाथ बच्ची थी, इसको विक्टर की फैमिली ने अडॉप्ट किया था। बाद में आगे चल करके ये विक्टर की क्लोज़ फ्रेंड बन गई और विक्टर को इस पर भरोसा भी होने लगा और आगे चलकर विक्टर को एलिजाबेथ से प्यार भी हो गया। विक्टर के पास एक बहुत इसकी परवाह करने वाला दोस्त भी था जिसका नाम था हेनरी, और इसका एक छोटा भाई था विलियम। बाकी इसकी फैमिली में इसके फादर थे, मदर थी। तो जैसे ही ये विक्टर 17 साल का हुआ तो इसकी फैमिली ने इसको पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में भेज दिया। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाने से पहले विक्टर की मदर की डेथ हो गई फीवर की वजह से। ठीक है, तो विक्टर अपनी मदर की डेथ के बाद में इंगोलस्टड, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में ये विक्टर पढ़ रहा था, तो वहाँ पे इसका पैशन नेचुरल फिलोसॉफी की तरफ बढ़ रहा था, साइंस की तरफ इसका थोड़ा झुकाव बढ़ रहा था। बड़े इंटरेस्ट के साथ ये जानने की कोशिश करता कि ये लाइफ क्या है, लाइफ का सीक्रेट क्या है, इंसान में जान कहाँ से आती है, क्या मैं भी किसी में जान डाल सकता हूँ, ये जानने की नई नई कोशिशें करता था ये। तो विक्टर बोल रहा है कि मैंने कोशिश की एक नई ह्यूमन बीइंग की नोबल रेस तैयार करने की, मतलब एक नई प्रजाति, एक जाति तैयार करने की जिसमें वो नोबल रेस होगी, नोबल लोगों की प्रजाति होगी। तो ये दिन रात अपने काम में लगा रहा। फिर इसने क्या किया, जो मरी हुई ह्यूमन बॉडीज होती है उनकी बोन्स को इकट्ठा किया, हड्डियों को इकट्ठा किया और एक क्रीचर बनाया, एक पहला क्रीचर तैयार किया अपना, जिसमें इसने अपने एक्सपेरिमेंट्स कर करके जान डाली। लेकिन अफसोस वो क्रीचर थोड़ा सा गंदा बना था, देखने में बड़ा गंदा लग रहा था, थोड़ा नहीं बहुत ही गंदा लग रहा था। मतलब उसके हाथ पैर इतने बड़े बड़े बन गए थे, तो बड़ा ही हॉरिबल लग रहा था, बड़ा ही टेरिफाइंग लग रहा था वो। विक्टर कुछ खूबसूरत बनाना चाहता था और ये क्रीचर क्या बन गया इससे बहुत ही गंदा सा। तो विक्टर ने ये चीज़ देखते हुए इस काम को छोड़ दिया। अब दोस्तों इस बात को कुछ महीने गुजरे, इस बीच ये विक्टर बीमार भी पड़ गया था। तो इसके पास एक न्यूज़ आई कि इसके छोटे भाई विलियम का मर्डर हो गया है। ये लेटर पढ़ने के बाद विक्टर क्या देखता है कि वो मॉन्स्टर जिसको इसने बनाया था वो इसके सामने खड़ा था। ये देखकर विक्टर को पक्का यकीन हो गया था कि इस मॉन्स्टर ने ही मेरे भाई को मारा है। तो विक्टर ये बात जानता था कि अगर वो ये बात किसी को बताएगा तो कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा। तो विक्टर ने सोच लिया कि इसका चुप रहना ही ठीक है इस वक्त। तो विक्टर की फैमिली में एक यंग मेड काम करती थी,
एक यंग काम वाली काम करती थी जिसका नाम था जस्टिन मॉरिट। इसको भी इस फैमिली ने अडॉप्ट किया था, तो पूरी फैमिली का शक इसी पर गया कि इस जस्टिन ने ही विलियम का मर्डर किया है, क्योंकि इस जस्टिन के पास विलियम का कोई लॉकेट वगैरह मिला था, तो इसको मरवा दिया गया, इस मेड को मरवा दिया गया। तो विक्टर को उसकी डेथ से बड़ा दुख हुआ कि उस बेचारी ने तो कुछ किया भी नहीं था, बल्कि मेरे बनाए हुए इस मॉन्स्टर ने किया था। तो विक्टर को बड़ा गिल्टी फील होने लगा, वो खुद को गिल्टी मान रहा था। तो अब अपने ही बनाए हुए मॉन्स्टर की ट्रेजेडी को भुलाने के लिए विक्टर क्या करता है, वैकेशंस पर चला जाता है छुट्टियां मनाने। वो पहाड़ों पर चढ़ाई करता था नेचर की ब्यूटी के बीच में। तो एक दिन क्या हुआ, जब ये पहाड़ पर चढ़ रहा था तो अचानक इसके सामने वो मॉन्स्टर आ गया। नहीं नहीं नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, उस मॉन्स्टर ने विक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो विक्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी स्टोरी सुनो। इसके बाद वो मॉन्स्टर अपनी दुख भरी स्टोरी विक्टर को सुनाने लगा कि जब आपने मुझे बना करके छोड़ दिया, फिर मेरा ये बुरा सा टेरिफाइंग लुक देखकर कोई भी सोसाइटी में मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। इसके बाद ये मॉन्स्टर बताता है विक्टर को कि कैसे कैसे महीनों तक इसने सोसाइटी में सफ़र किया, लोग इसको देख करके डरते थे, तो ये एक घर में जाकर छुपकर वहाँ रहने लगा, किसी को पता नहीं चला कि ये घर में रह रहा था, ये इसने विक्टर का जैकेट पहन रखा था, वहीं उन लोगों के बीच में रह करके इसने पढ़ना और बोलना सीखा। वहाँ इसको विक्टर के जैकेट में 3 बुक्स मिली, जिसमें एक मिल्टन की लिखी हुई पैराडाइज लॉस्ट भी थी, तो इन बुक्स को पढ़ पढ़ के इसने लैंग्वेज सीखी। इसके बाद उस घर में भी ये पकड़ा गया और उस घर से भी इसको धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद मॉन्स्टर विक्टर को अपना गुस्सा दिखाता है कि जहाँ भी मैं गया लोगों ने सिर्फ मेरी बाहरी अपीयरेंस को देखा, बजाय मेरे अंदर की अच्छाई के सबने मुझे खुद से अलग कर दिया। फिर ये मॉन्स्टर विक्टर से रिक्वेस्ट करता है, इसको बोलता है कि आप मेरे क्रिएटर हो, मैं आपको ढूंढने निकला था, तुमसे सवाल पूछने निकला था कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया। इसके बाद तुम्हारे भाई विलियम का मर्डर हो गया और फिलहाल मैं तुमसे एक ही चीज़ चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ और मत करो, बस मेरे लिए एक फीमेल मॉन्स्टर बना दो। मैं अकेला इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, मैं कैसे अकेला रहूँगा, मेरे लिए कोई साथी बना दो, मैं उस फीमेल मॉन्स्टर को इतना प्यार करूंगा कि किसी ह्यूमन बीइंग ने दूसरे ह्यूमन बीइंग को नहीं किया होगा आज तक। तो विक्टर ने उसे पहले पहले तो मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं बनाने वाला, पहले ही तुम्हें बनाकर मैंने गलती कर दी है, लेकिन फिर मॉन्स्टर ने उसे जोर दिया और वो मान गया कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक फीमेल मॉन्स्टर बनाऊंगा। इसके बाद दोस्तों विक्टर के फादर ने विक्टर से कहा कि बेटा विक्टर, अब तुम एलिजाबेथ से शादी कर लो। तो विक्टर ने अपने फादर से कहा कि ज़रूर, लेकिन पहले मुझे इंग्लैंड जाना है कुछ काम के लिए। तो ये इंग्लैंड निकल गया। रास्ते में जाते जाते विक्टर अपने दोस्त हेनरी से भी मिला। फिर उसके बाद वो एक दूर इलाके में चला गया एक आइलैंड पर और अपना दूसरा फीमेल मॉन्स्टर बनाने की तैयारियां करने लगा। अब वो फीमेल मॉन्स्टर बना रहा था। एक रात विक्टर को चिंता होने लगी कि अगर मैं ये जो फीमेल मॉन्स्टर बना रहा हूँ, अगर मैंने इसको बना दिया तो ये फीमेल मॉन्स्टर तो पिछले बनाए हुए मॉन्स्टर से भी ज़्यादा खतरनाक निकलेगी, क्योंकि फिर ये दोनों मॉन्स्टर मिलकर के बच्चे पैदा करेंगे और ह्यूमन बींग्स के लिए ये खतरनाक चीज़ हो सकती है। अब एट द सेम मोमेंट विक्टर क्या देखता है कि वो मॉन्स्टर खिड़की में से झांक रहा था, जिसको इसने पहले बनाया था, वो खिड़की में से झांक रहा था अपनी फीमेल मॉन्स्टर को बनता हुआ देखकर। वो खुश हो रहा था, स्माइल कर रहा था। तो इस डरावने सीन को देखकर विक्टर डर गया और उसने फैसला किया कि वो ह्यूमन बींग्स की भलाई के लिए इस फीमेल मॉन्स्टर को जितना इसने बनाया है आधा, उसको भी ख़त्म कर देगा। फिर इसने उस फीमेल मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो मॉन्स्टर विक्टर के पास आकर के गुस्सा होकर के बोला कि ऐसा क्यों किया तुमने। फिर इसके बाद वो मॉन्स्टर कसम खाता है कि वो विक्टर से बदला लेगा और विक्टर से बोल करके गया कि एलिजाबेथ के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है ना, तो शादी वाली रात तुमसे मिलता हूँ। विक्टर उस ख़त्म किए हुए फीमेल मॉन्स्टर के टुकड़ों को, जो बचे हुए टुकड़े थे, उनको समुद्र में बहाने के लिए अपने साथ ले गया नाव में। लेकिन जब वो वापस किनारे पर आया तो पुलिस ने इसको पकड़ लिया मर्डर के इल्ज़ाम में। और मर्डर किया किसका गया था, इसके दोस्त हेनरी का। ये चीज़ देखकर विक्टर तो बेसुध हो गया, बेहोश हो गया कि इस मॉन्स्टर ने इसके दोस्त हेनरी को भी मार दिया। अब जब विक्टर को होश आया, जब ये जागा, तो इसके फादर इसके पास में थे। विक्टर पे सारे जो क्रिमिनल चार्जेस थे वो सब हटा लिए गए थे कि मर्डर इसने नहीं किया था, मर्डर किसी और ने किया था। इसके बाद विक्टर अपने फादर के साथ अपने घर चला गया स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में। अब घर आने के बाद इसने एलिजाबेथ से शादी कर ली। लेकिन शादी वाली रात, जैसा उस मॉन्स्टर ने विक्टर से वादा किया था, ये मॉन्स्टर इसके पास आया शादी वाली रात
और एलिजाबेथ को मार के चला गया। इस मॉन्स्टर ने विक्टर को नहीं मारा बल्कि एलिजाबेथ को मार करके चला गया। एलिजाबेथ की डेथ के बाद गम में विक्टर के फादर की भी डेथ हो गई। अब दोस्तों विक्टर इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया। विक्टर ने अब बस फैसला कर लिया था कि वो उस मॉन्स्टर से बदला लेगा। इसके बाद विक्टर उस मॉन्स्टर को ट्रैक करता हुआ आर्कटिक पहुंच गया। इसके बाद बर्फ में उस मॉन्स्टर को ढूंढते ढूंढते बर्फ के टूटने की वजह से ये बर्फ के नीचे दब गया। फिर इसके आगे क्या हुआ हम सब जानते हैं। वाल्टन ने इसको रेस्क्यू कर लिया और ये कहानी वाल्टन अपनी सिस्टर को लेटर्स में बता रहा है। और वाल्टन एंड में अपनी बहन को लेटर में लिखता है कि वो नॉर्थ पोल तक तो नहीं पहुंच पाया जिसकी जर्नी के लिए वो निकला था। नॉर्थ पोल पे जाने के लिए तो वो जर्नी तो पूरी नहीं कर पाया लेकिन उसे रास्ते में विक्टर जरूर मिल गया। विक्टर ने उसे अपनी सारी स्टोरी सुनाई। स्टोरी सुनाने के बाद विक्टर भी मर गया। ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहा। स्टोरी सुनाने के बाद वो भी मर गया। उसकी डेथ के बाद वो मॉन्स्टर वहीं आया विक्टर की डेड बॉडी के पास में रोने के लिए। तो वाल्टन ने उस मॉन्स्टर को बड़ा सुनाया कि तुम्हारी वजह से तुम्हें बनाने वाला आज मर गया और तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। इसके बाद मॉन्स्टर के पास ज़िंदगी में करने को कुछ नहीं था। वो बड़ा रोया विक्टर की डेथ पर और उसने फैसला किया कि अब उसके पास ज़िंदगी में करने को कुछ भी नहीं है तो उसने खुद को भी मार लिया। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।